जिस फायरवॉल को हम सारे रो रहे हैं, एक सेकंड, लेट्स कीप द रिकॉर्ड राइट, जिस फायरवॉल को हम रो रहे हैं कि आप लोगों ने अप्रूव की, एक मिनट है जाए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रूवल एंड देन मिसमैनेजिंग इट, इट स्टार्ट्स विद एन अप्रूवल, नहीं सुन ले, देखिए आपको पता है ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको चीज समझाता हूं, मैं कहता हूं मैं आपको चाय पिलाऊंगा, उसके बाद मैं सर चाय की एग्जांपल लेते हैं, सुन मैं सुन ना 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 अभी टाइम थोड़ा है, टोटली लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, अगर फायरवॉल ने रिस्ट्रिक्ट करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कह रहे हैं हमने पॉलिसी अप्रूव कर दी, हम जिम्मेदार हैं, तो कौन है, एक मिनट है जाए, पैका लॉस इन लोगों ने बनाए उसका नतीजा आज, एक सर एक लास्ट मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, क्लोजिंग दो से पांच सेकंड लेता हूं, ठीक है, आपने कहा 2020 में अगर हम लोग अब बात आ जाती है कि जो अभी मुसद्दिक साहब ने बातें की हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है कि इन लोगों ने इतना पोलराइज कर दिया, जिस जमाने में चाहे वो गुजरांवाला की तकरीर हो, चाहे वो यूके से हो, चाहे कई जगह से हो, हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के नाम कितनी दफा सुने हैं बाय नेम, जब ये बात करते हैं, अच्छा ये याद रखने, अब मैं यहाँ डिस्टिंक्शन करूंगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी बंदे ने आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की कभी, अगर नाम लिया उसी तरीके से नाम लिया जैसे ये नाम लेते थे, लेकिन मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी जलसे में कभी वो नारे लगे हैं जो मरियम नवाज लगवा रही थी अपने जलसों में, हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दैट, क्या कभी ऐसे था, नहीं था, अच्छा उसके अलावा पार्लियामेंट में झूठ बोलते हुए क्या कोई ऐसा मिनिस्टर या कोई था कि जो वहां खड़े होते ये कह रहे हो कि ये इस तरह प्लान है, और बाद में क्या, वो तो मैं इसके बात सुने, एक मिनट है, एक सेकंड, इस पे मैं जवाब देता हूं, आपके टॉप लीडर ने तो यहां तक कह दिया कि आर्मी चीफ मुझे मेरी बीवी को मरवाने की साजिश करवा रहे बैठे, उसके मुकाबले में क्या नारा होगा, देखिए मेरी बात सुने ना, ये एक आदमी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर कर रहा है, मैं बात बताइए, तीन स्पीचेस जो आई है आर्मी चीफ की, आप इसको कैसे देखते हैं, मुझे तो इनके बाद क्लियर लगता है कि एब्सोल्युटली कोई आप लोगों का रिप्रोच नहीं हो सकता, वो तो पहले भी था, देयर इज नथिंग न्यू इन इट, ठीक है, मुझे क्या लगता है, वो वही वाली बात है, देखिए मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि एड्रेस कर रहे हैं यूथ को, ठीक है, लेट्स डू अ स्टैटिस्टिक्स अबाउट यूथ, हमने पिछले एक महीने में जो मेनली यूथ है उनके हमने 500 मिलियन की कमाई, डॉलर्स की कमाई हमने तबाह कर दी, आपको पता है ये जो फाइवर जो एक मार्केट स्पेस है वो है, वो उसमें जो आप उन बच्चों से पूछे वो कहते हैं कि ये किस्म की दुकान आप उसमें खोले थे, वो कहते हैं जो हमने दुकान खोली हुई थी जहां से हम लोग 50-60 हज़ार लाख 1.5 लाख कमा रहे थे, अब वो दोबारा दुकान हमें मिलते मिलते कम से कम 3 से 4 माह लगेंगे, फिर दोबारा उधर तक पहुंचते पहुंचते उस जगह तक पहुंचते पहुंचते हमें कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे अगर हो जाए, और ये मार्केट शेक, अच्छा अभी भी वो चीजें हो रही हैं, ये नहीं है कि उस चीज नहीं है, पीटीए की आप बात करते हैं, पीटीए ने आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उन्होंने कहा था कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसका पीटीए से कोई ताल्लुक नहीं लेना, आज स्टैंडिंग कमेटी में जो चेयरमैन पीटीए हैं उन्होंने डिफाई किया इनको, उमर अयूब साहब को, उमर अयूब साहब ने कहा आप ये बताएं कि ये हमने माना नहीं था, उसने हमें डेट भी बताई कि मई, शायद मई 2002 के 20 के क्या, उन्होंने कहा जी इस डेट को नोटिफिकेशन आपकी गवर्नमेंट ने कहा था, एग्रीड, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, देखिए मैं उस 2022 के अंदर देखिए मैं उसके मैं उस चीज को वो नोटिफिकेशन जिस फायरवॉल को हम सारे रो रहे हैं, एक सेकंड लेट्स कीप द रिकॉर्ड राइट, जिस फायरवॉल को हम रो रहे हैं कि आप लोगों ने अप्रूव की, एक मिनट है जाए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रूवल एंड देन मिसमैनेजिंग इट, इट स्टार्ट्स विद अप्रूवल, नहीं सुन ले, देखिए आपको पता है ये क्या बात कर रहे हैं, चीज समझाता ना मैं चीज में, मैं कहता हूं मैं आपको चाय पिलाऊंगा, उसके बाद मैं सर चाय की एग्जांपल लेते हैं, सुन मैं अभी टाइम थोड़ा है, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, अगर फायरवॉल ने रिस्ट्रिक्ट करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कह रहे हैं हमने पॉलिसी अप्रूव कर दी, हम जिम्मेदार हैं, तो कौन है, एक मिनट है जाए, पैका लॉस इन लोगों ने बनाए उसका नतीजा आज, एक सर एक लास्ट मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, मैं क्लोजिंग दो से पांच सेकंड लेता हूं, ठीक है, आपने कहा 2020 में अगर हम लोग
I have to cut down. 20, I have 20, to close down the program. You have to listen to me. दो साल में क्या उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, यही वजह थी कि हम समझे ये नहीं हो रहा है। चलिए बात पे खत्म करते हैं। तो जबरदस्त लॉजिक है, जब हमें बताते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हामी हैं, ये पैका लॉज इन्होंने बनाए थे और आज उस पैका कोर्ट में इनके इंफॉर्मेशन में सेक्रेटरी साहब गए, ये कहते हैं कि हमने अप्रूव की थी, हमने लगाई नहीं। जिसने बीज लगाया है इसी फायरवॉल का, वो आज कहते हैं डोंट ब्लेम अस अगर आज फायरवॉल आ रही है। इट स्टार्ट्स विद एन अप्रूवल। हर चीज पहले पॉलिसी से शुरू होती है फिर इंप्लीमेंट होती है। ये दोनों पार्टीज इसमें जिम्मेदार हैं। और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाएगा इस मुल्क में, छोड़ दें अस्करी इदारे क्या कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं, दोनों का बीच सिविलियंस ने लगाया एंड दे कांट से कि हम गिल्टी नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये आप क्या बात